सुदिति नमन, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 7D. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7D. क्वेश्चन नंबर 1. पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन द फॉलोइंग. सो सॉल्यूशन नंबर ए इज 3/7 एंड 3/5, विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेसर. जिन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनमें हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, और जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम होते हैं उनमें हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं. तो हमें जिनके डिनोमिनेटर बड़े होते हैं वह फ्रैक्शन छोटे होते हैं, और जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है वह बड़ा होता है. यहाँ पर न्यूमरेटर 3 और 3 है, और इसके अपॉन में 7 है और इसके अपॉन में 5 है. सो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7. और आपको इस सिंबल के बारे में पता है, जिस तरफ इस सिंबल का मुंह खुला होता है वह तरफ बड़ी होती है, और जिस तरफ इसकी टेल होती है वह तरफ छोटी होती है. अब यहाँ न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम है 11 एंड 11. तब हम कंपेयर करेंगे इनके न्यूमरेटर को. इसमें जो न्यूमरेटर बड़ा है वह डिजिट बड़ी है, मींस 8/11 इज ग्रेटर देन 4/11. क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई एंड एफ, डू योर सेल्फ ऑन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. दिए गए फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. डिसेंडिंग का मीन्स होता है बड़े से छोटा, छोटे पर हमें एंड करना है. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, और डिनोमिनेटर इसमें जिसका कम होगा वही डिजिट बड़ी होगी. तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सॉल्यूशन नंबर ए देखते हैं. हमारा क्वेश्चन है 2/9, 2/11, 2/5 एंड 2/7. सो डिसेंडिंग नंबर में हम लिखेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं बड़े पे ख़त्म, और डिसेंडिंग में करते हैं हम छोटे पे ख़त्म. तो हम बड़े से शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी वह होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा. तो 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7 इज ग्रेटर देन 2/9 इज ग्रेटर देन 2/11. मीन्स 2/11 इसमें सबसे छोटा है. दिस इज अवर डिसेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, ई एंड एफ, डू योर सेल्फ ऑन योर मैथ्स नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. दिए गए फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा. और हमें मालूम है कि हम जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, और इसमें जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही डिजिट हमारी सबसे बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही डिजिट हमारी सबसे छोटी होगी. सो सॉल्यूशन नंबर 3A. क्वेश्चन है हमारा 1/9, 1/6, 1/3 एंड 1/12. अब हम इसमें देखते हैं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में बड़े पे ख़त्म करना है, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे. 1/12 इज लेस देन 1/9 इज लेस देन 1/6 इज लेस देन 1/
3. सो 1/3 इज ग्रेटर, 1/3 इसमें सबसे बड़ा है. असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे बड़े पे इसका एंड किया. सो क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, ई एंड एफ, डू योर सेल्फ ऑन योर मैथ्स नोटबुक. गुड बाय.